दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन किसान परेड के दिन हुई हिंसा में शामिल आरोपियों पर दिल्ली पुलिस ने कठोर कार्रवाई करने की बात कही है। बुधवार को पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 25 जनवरी की शाम से ही किसान संगठनों ने नियम तोड़ने शुरू कर दिए थे। पुलिस के मुताबिक सतनाम सिंह फन्नू और दर्शनपाल सिंह के कारण किसान भड़के और उन्होंने तय रूट से हटकर अलग रास्तों को चुना। पुलिस कमिश्नर ने राकेश टिकैत का भी नाम लिया और कहा कि अब तक 25 क्रिमिनल केस दर्ज किए जा चुके हैं। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि उसकी तरफ से पूर्ण रूप से संयम बरता गया और यही वजह है कि एक भी व्यक्ति की मौत पुलिस की कार्रवाई की वजह से नहीं हुई। पुलिस के मुताबिक उसने अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया है जबकि 50 से अधिक हिरासत में हैं। पिछले 24 घंटे में इस देश ने दीप सिद्धू के बैकग्राउंड के बारे में इतना कुछ जान लिया है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है। किस किस व्यक्ति के साथ उसकी फोटो है, 7 रेस कोर्स रोड के अंदर जाके प्रधानमंत्री के साथ फोटो है, अमित शाह के साथ फोटो है, सनी देओल से जो रिश्ते हैं वो स्पष्ट हैं, और इसलिए जाहिर है ये सरकार की तरफ से प्लांटेड व्यक्ति है। लाल किले में जो बेअदबी हुई, जो डेसिक्रेशन हुआ, उसके लिए खेद व्यक्त करता है और हम उसकी नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार करते हैं, और उसके बतौर हमने फैसला किया है कि 1 फरवरी को जो संसद पे मार्च का ऐलान हमने 3 दिन पहले किया था उसको हमने रद्द कर दिया, उसको पोस्टपोन कर दिया है। आंदोलन था, है, रहेगा। NCR में नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर पड़ाव डाले बैठे किसानों ने अब यहां से हटना शुरू कर दिया है। बुधवार शाम बड़ी संख्या में किसान यहां से अपना सामान समेटते और टेंट हटाते नजर आए। दरअसल इन किसानों की अगुवाई कर रहे संगठन भारतीय किसान यूनियन भानू ने गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के बाद आंदोलन से पीछे हटने का फैसला किया है। संगठन के प्रमुख ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने कहा कि उनका संगठन किसी भी प्रकार की हिंसा के पक्ष में नहीं है और जो कुछ गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुआ वो निंदनीय है। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले ही BKU के भानु गुट को अपने से अलग कर दिया था। सरदार VM सिंह के राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ ने खुद को किसान आंदोलन से अलग करने का ऐलान किया है। पत्रकारों से बात करते हुए VM सिंह बोले कि जो कुछ मंगलवार को मिला मैं उससे व्यथित हूं। मेरा संगठन किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करता। VM सिंह ने किसान नेता राकेश टिकैत का स्पष्ट रूप से नाम लेते हुए कहा कि उन्होंने तय सरकारी रूट से अलग जाने का फैसला लिया और ऐसे सभी लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि VM सिंह ने MSP पर कानून की अपनी मांग को दोहराया और कहा कि अब वो अलग रूप में अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। राकेश टिकैत ने मंजूर कर लिया है कि मैंने बैरियर तोड़े हैं, क्यों नीचे से जाने नहीं दिया? नीचे से तो VM सिंह गया, पूरा काफला गया, तुम क्यों नहीं आ सके? तो अगर गलत काम हुआ है, जिसने भी गलत काम किया है उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए सरकार को, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारा निर्णय स्पष्ट है, VM सिंह राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन इस आंदोलन को यहीं पर ही अलविदा कहते हुए। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर किसान नेताओं पर भी FIR दर्ज की गई है। इनमें से नांगलोई थाने में जो FIR दर्ज है उसमें न सिर्फ डकैती की धारा लगाई गई है बल्कि 39 किसान नेताओं के नाम भी FIR में शामिल हैं जो सरकार के साथ वार्ता के लिए विज्ञान भवन जाते थे। इतना ही नहीं, इस लिस्ट में योगेंद्र यादव का भी नाम शामिल है। जिन नेताओं पर FIR हुई है उसमें राकेश टिकैत, दर्शनपाल, राजेंद्र सिंह, बलबीर सिंह राजेवाल, बूटा सिंह और जोगिंदर सिंह उग्राहा जैसे बड़े नाम शामिल हैं। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा अभी भी सफाई दे रहा है कि हिंसा फैलाने वाले उनसे जुड़े लोग नहीं हैं और कुछ गलत लोग आंदोलन को बदनाम करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। मंगलवार को लाल किले पर झंडा फहराए जाने की घटना में पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू का नाम सामने आ रहा है। हालांकि किसान मोर्चा ने भी दीप सिद्धू को खुद से अलग बताया है और उस पर किसानों को लाल किले तक ले जाने का आरोप लगाया है। इसी बीच दीप सिद्धू का एक फेसबुक वीडियो सामने आया है जिसमें उसने दावा किया है कि ये कोई योजनाबद्ध काम नहीं था। उसने कहा कि केवल प्रतीकात्मक विरोध के लिए निशान साहिब का झंडा लगाया गया था और इसे सांप्रदायिक रंग ना दिया जाए।
अब सोशल मीडिया पर दीप सिद्धू की कुछ पुरानी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें वो बीजेपी सांसद सनी देओल और पीएम मोदी के साथ दिखाई दे रहा है। हालांकि इस पर बीजेपी सांसद सनी देओल ने ट्वीट कर साफ कहा कि उनका या उनके परिवार का दीप सिद्धू से कोई नाता नहीं है। एक शख्सियत को अगर आप बोलें भी उसने भड़काहट की है, तो कभी भी संघर्ष, इतना बड़ा संघर्ष, वो किसी एक शख्सियत या एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड नहीं होता। इस बात को समझना बड़ा जरूरी है। जिस पोस्ट पे हमने झंडे लगाए, उस पोस्ट के ऊपर कोई झंडा नहीं था। किसानों की ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी ने इसके लिए किसान नेताओं को जिम्मेदार बताया और कहा कि किसान नेताओं ने केवल भीड़ को उकसाने का काम किया। पार्टी नेता शाहनवाज हुसैन के मुताबिक किसान संगठन का हर नेता सिर्फ भड़काने में लगा हुआ था और अब जब ये घटना घट गई, तब वो तरह तरह का ज्ञान दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी को दुर्योधन बताया है। अपने ट्वीट में उन्होंने महाभारत का जिक्र करते हुए लिखा कि महात्मा विदुर जैसे मंत्री, कृपाचार्य जैसे राजगुरु, द्रोणाचार्य जैसे महारथी और भीष्म जैसे मार्गदर्शक के रहते हुए भी हस्तिनापुर का सर्वनाश कैसे हो गया, क्योंकि दुर्योधन के अहंकार के सामने सब मौन रहे और इस मौन की कीमत सबको चुकानी पड़ी थी। गणतंत्र दिवस पर राजधानी में हुई हिंसा के बाद खुफिया एजेंसियों की सोशल मीडिया पर बारीक नजर है। भड़काऊ पोस्ट करने वाले यूजर्स पर सख्ती बरती जा रही है। इसी कड़ी में ट्विटर ने 500 से ज्यादा ऐसे लोगों की पहचान कर उनके अकाउंट सस्पेंड कर दिए हैं। यही नहीं, ट्विटर ने सुनिश्चित किया है कि हिंसा फैलाने के लिए उकसाने वाले हैशटैग को ट्रेंड सेक्शन में शामिल नहीं किया जाएगा। कंपनी के मुताबिक ऐसी फेक न्यूज ऑफलाइन भी माहौल को बिगाड़ने का काम करती है। हरियाणा में INLD के इकलौते विधायक अभय चौटाला ने तीनों कृषि कानूनों के विरोध में और किसानों के समर्थन में विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल चौटाला पहले ही ऐलान कर चुके थे कि अगर सरकार ने 26 जनवरी तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए तो वो इस्तीफा दे देंगे। अपनी कहीं पर कायम रहते हुए चौटाला हरियाणा विधानसभा भवन पहुंचे, जहां उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता को इस्तीफा सौंप दिया और इसे तुरंत स्वीकार भी कर लिया गया। अभय चौटाला राज्य के पूर्व CM ओम प्रकाश चौटाला के पुत्र हैं और उनके भतीजे दुष्यंत चौटाला हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार में डिप्टी CM हैं। दुष्यंत हरियाणा में जन नायक जनता पार्टी की अगुवाई करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें नाबालिग की ब्रेस्ट को स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के बिना छूना पॉक्सो के तहत बाल यौन अपराध नहीं माना गया था। टॉप कोर्ट ने यूथ बार एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये रोक लगाई है। अपने फैसले में नागपुर बेंच की जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला के सिंगल बेंच ने ये विवादित फैसला सुनाते हुए आरोपी को पॉक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत बरी कर दिया था, जिसमें उसे लोअर कोर्ट से 3 साल की सजा मिली थी। इस फैसले पर न सिर्फ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने आपत्ति जाहिर की थी, बल्कि समाज के हर तबके से इस फैसले का विरोध हुआ था और इसे बाल यौन शोषण को बढ़ावा देने वाला बताया गया। 2016 के इस केस में 12 साल की बच्ची का यौन शोषण हुआ था। बच्ची ने बताया था कि दोषी ने न सिर्फ उसे ग्रोप किया था, बल्कि उसके कपड़े भी उतारने की कोशिश की थी। बिहार के मुंगेर जिले में दिनदहाड़े सत्ताधारी पार्टी BJP के प्रदेश प्रवक्ता असफर शमसी को गोली मार दी गई। बताया जा रहा है कि उन्हें पेट और कनपट्टी पर गोली लगी है। फिलहाल असफर की हालत गंभीर है और पटना में उनका इलाज चल रहा है। बुधवार को जमालपुर के इवनिंग कॉलेज के पास बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया, जहां वो प्रोफेसर हैं। घर वालों का कहना है कि असफर का अपने कॉलेज के सहकर्मियों के साथ विवाद चल रहा था। पुलिस का कहना है कि वो इस मामले की हर एंगल से जाँच कर रही है। ये तस्वीरें त्रिपुरा के अगरतला की हैं, जहाँ पुलिस ने सुबह तड़के आंदोलनकारी टीचरों पर धावा बोल दिया। पुलिस वालों ने आक्रामक अंदाज में टीचरों पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और फिर कड़ाके की ठंड में वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। पुलिस ने आंदोलन के लिए लगे सारे टेंट उखाड़ फेंके और 300 से अधिक टीचरों को गिरफ्तार भी कर लिया। इस पुलिसिया कार्रवाई में 40 से अधिक आंदोलनकारी टीचर जख्मी हुए हैं। बीते करीबन 2 महीने से ये टीचर यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठे थे, अदालत के उस आदेश के खिलाफ जिसमें उनकी नियुक्ति को गलत बताया गया था। ये लोग जॉब में फिर बहाली और उसे परमानेंट किए जाने की मांग कर रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में आने वाले दिनों में तेजी से सुधार होगा। IMF ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था 11.5% की विकास दर को छू सकती है,
जो चीन, स्पेन और फ्रांस जैसे देशों की अर्थव्यवस्था से ज्यादा होगी। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के मुताबिक साल 2020 में कोरोना की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा गिरावट आई, लेकिन अब कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है और इसमें तेजी से सफलता मिल रही है। IMF ने अनुमान जाहिर किया है कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था रिकॉर्ड 11.5% की रफ्तार से आगे बढ़ सकती है, जबकि चीन की विकास दर 8.1, स्पेन 5.9 और फ्रांस की 5.5% रहने का अनुमान है। सुप्रीम कोर्ट में वेब सीरीज तांडव को लेकर सुनवाई हुई। ताजा मामले में सीरीज से जुड़े लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इन्होंने आग्रह किया है कि इनके खिलाफ दर्ज FIR को रद्द किया जाए। इस दौरान बेहद फेमस वकील फली नरीमन तांडव से जुड़े लोगों की तरफ से पेश हुए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि जो भी विवादित है उसे हटा दिया गया है और माफी भी मांग ली गई है। उन्होंने दलील दी कि इसमें अब कुछ भी आपत्तिजनक नहीं रहा। ऐसी दलीलों के जरिए FIR को रद्द किए जाने की मांग की गई। सुनवाई के दौरान FIR ट्रांसफर और क्लब करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। हालांकि गिरफ्तारी से अंतरिम बचाव की प्रार्थना को कोर्ट ने खारिज कर दिया। जिन कोर्ट्स में मामला है वहां से बेल लेने की याचिकाकर्ताओं को लिबर्टी दी गई है। BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली की तबीयत फिर से बिगड़ी है, जिसके बाद उन्हें एक बार फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घर वालों ने बताया है कि बुधवार सुबह उनके सीने में दर्द हुआ था, हालांकि बेचैनी मंगलवार रात से ही थी, जिसके बाद उन्हें बुधवार को कोलकाता के ही अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 जनवरी को ही सीने में दर्द की शिकायत के बाद गांगुली को शहर के वुडलैंड्स अस्पताल में एडमिट किया गया था, जहां उनकी एंजियोप्लास्टी की गई थी।